नमो नमः। आज मैं एमए सेकंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए अर्थ संग्रह में वर्णित तृतीय विधि विभाजन के विषय में चर्चा करूंगा। तृतीय विभाजन के अनुसार विधि के तीन प्रकार हैं। ये विधि के तीन प्रकार मंत्र के प्रकरण में प्रसंग अनुसंगतः प्राप्त हैं। पहला है अपूर्व विधि, दूसरा है नियम विधि, तीसरी है परिसंख्या विधि। अपूर्व विधि का लक्षण है, प्रथम अपूर्व विधि है जिसका लक्षण है प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापको विधि ही अपूर्व विधि ही, अर्थात दूसरे प्रमाणों से अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि को अपूर्व विधि कहते हैं। यह विधि इसके पूर्व के विधि विभाजन में इसी विधि को उत्पत्ति विधि या प्रधान विधि के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है, जिसके स्वरूप के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, पुनः इसका उदाहरण है स्वर्ग कामो यजेत। दूसरी विधि का नाम है नियम विधि। दूसरी विधि है नियम विधि, जिसका लक्षण है नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि ही अपूर्व विधि, अर्थात अनेक साधनों से सिद्ध होने वाले क्रिया की सिद्धि में एक साधन प्राप्त होने पर दूसरे अप्राप्त साधन को प्राप्त कराने वाली विधि को नियम विधि कहा जाता है। उस विधि को क्या कहते हैं? नियम विधि। दूसरे शब्दों में पक्ष में अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली विधि को ही नियम विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जा सकता है ब्रहीन अवहंती, कर्मकांड की प्रक्रिया में पुरोडास निर्माण के लिए चावल की अपेक्षा होती है। चावल धान से तुष विमोचन के उपरांत प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम तुष विमोचन या धान से भूसी को अलग करना, चावल से भूसी को अलग करना ही तुष विमोचन है। इसी को वैतुष्य भी कहते हैं। अब यह तुष विमोचन करने के अनेक साधन प्राप्त हैं, जैसे नख विदलन से, नाखून से खुरच करके भी चावल को अलग कर सकते हैं। दूसरा है सील पर पत्थर से रगड़ने से, तो अनेक साधन प्राप्त हैं। लेकिन तो यहाँ इन साधनों, ये जो साधन प्राप्त हैं, इन साधनों के प्राप्त होने पर भी जो अप्राप्त साधन अवघातन है, ओखली में मूसल से कूटने की जो प्रक्रिया है वो विधि सम्मत है, तो उसका विधान विधि अवहनंती, विधि ब्रहीन अवहंती इस विधि वाक्य के द्वारा होता है। इस कारण से इसको विधि नियम कहते हैं, इसको नियम विधि के अंतर्गत माना जाता है। तीसरी विधि है परिसंख्या विधि। परिसंख्या विधि का लक्षण है उभयोश्च युगपद प्राप्त इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि ही, अर्थात दोनों विधानों के एक साथ प्राप्त होने पर एक की निवारक विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं, एक को निवारक विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं। परिसंख्या का अर्थ होता है वर्जन बुद्धि। परिसंख्या का अर्थ है वर्जन बुद्धि, तो इस वर्जन बुद्धि का जो विधायक वाक्य है वही परिसंख्या विधि है। अर्थात जहां पर कोई क्रिया रागतः तथा शास्त्रतः दोनों ओर से एक साथ प्राप्त हो, तो ऐसी स्थिति में जो उसका निवर्तन होता है, उदाहरण के लिए लिया जा सकता है जैसे पंच पंच नखा भक्ष्या वाक्य लिया जा सकता है। मांसाहारी लोग
पंचनख तथा अपंचनख दोनों प्रकार के प्राणियों का भक्षण करते हैं। तो यह रागतः प्राप्त हुआ और पंच पंच नखा भक्ष्याः, पांच नख वालों का भक्षण, ये सामान्य अर्थ लेंगे तो भक्षण करना चाहिए, शास्त्रतः प्राप्त हुआ। तो इसमें रागतः जो प्राप्त है उसकी निवृत्ति को लिया जाएगा, अर्थात शास्त्रतः प्राप्त उस निवृत्ति अर्थ को का प्रतिपादन इस विधि के द्वारा होगा। पंच पंच नखा भक्ष्या का अर्थ होगा कि जिन प्राणियों के पांच नख नहीं है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए, ये अर्थ ग्रहण होगा इस विधि के द्वारा। यह विधि दो प्रकार की होती है, श्रौति और लाक्षण की, जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। धन्यवाद।